सबसे पहले तो हमारे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूवर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत अच्छा रहे, बहुत प्रोग्रेस हो, बहुत प्रॉस्पेरिटी हो और अच्छी आई हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ आपको मिले। आज हम बात करेंगे दिवाली के टाइम पे आँखों को कैसे हम संभाल के रखें, आँखों में हम कम से कम डैमेज लें, यही है आज का वीडियो। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। दिवाली त्यौहार है लाइट्स का, दिवाली त्यौहार है एक उल्लास का, हर्षोल्लास का, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हर साल दिवाली के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो जीवन भर के लिए अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। थोड़ी सी लापरवाही से, थोड़ा सा उसमें सतर्कता अगर बरतते हैं सो हम अपनी आँखों को डेफिनेटली 100% बचा सकते हैं दिवाली के टाइम। दिवाली के टाइम जो मेन आँखों में डैमेज होता है वो होता है फटाखों से। जो भी हम फटाखे जलाते हैं वो बेसिकली एक तरह से एक्सप्लोजन रहता है, केमिकल एक्सप्लोजन रहता है, और उससे डायरेक्ट भी आँख के अंदर इंजरी हो सकती है, आँखें जल सकती हैं उसकी हीट से, चिंगारी से, उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो आँख को भी जला सकते हैं, और इनडायरेक्टली फटाखों से जो चीज़ें उड़ती हैं, कभी पत्थर या है या और कोई इस तरह के श्रापनल हैं, वो भी आँख के अंदर बहुत डैमेज कर सकते हैं। बिलीव में हमारे पास हर साल ऐसे आते हैं पेशेंट्स जो जस्ट गुजर रहे थे जहाँ से फटाखे जल रहे हैं और उन्हीं की आँख में इंजरी हो जाती है। सो हमें बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे एक सिंपल प्रिकॉशन आप ले सकते हैं वो है आँखों पे प्रोटेक्शन वाला चश्मा पहने जब आप फटाके जला रहे हैं। ये प्रोटेक्टिव ग्लासेस होते हैं, ये ना सिर्फ सामने से बल्कि साइड से भी आँख को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका स्पेसिफिक एक कॉम्पोजिशन होता है, ये पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे या मार्केट में जाके सर्च करेंगे सो पॉलीकार्बोनेट के प्रोटेक्टिव ग्लासेस आप ज़रूर पहने। ये एक मैसेज मैं पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ कि एक नॉर्म बन जाए कि फटाके जलाते वक्त हम आँख का प्रोटेक्शन रखें। आपका नॉर्मल चश्मा वो नहीं प्रोटेक्शन देगा, अगर आप पहले से पावर वाला चश्मा पहनते हैं तो वो प्रोटेक्शन नहीं देगा, आपको स्पेशली उसके ऊपर अलग से प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने होते हैं, जैसे कि लोग इंडस्ट्री में पहनते हैं या फिर कुछ हैवी ड्रिलिंग या ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उसी तरह की एक्टिविटी होती है फटाके जलाना। फटाके जलाते टाइम बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें उड़ती हैं आसपास, अगर कोई पत्थर वगैरह है, कंकर है, सो वो भी बहुत हाई प्रोजेक्टाइल, हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल बन जाता है और वो आँख को 100% डैमेज कर सकता है। हर साल हमारे पास एटलीस्ट 15-20 ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अल्टीमेटली अपनी आँखों को लूज़ कर देते हैं सिर्फ ये प्रोटेक्शन ना पहनने से। जैसे हम ड्राइव करते टाइम हेलमेट पहनते हैं, वैसे फटाके जलाते टाइम प्लीज़ प्लीज़ इन पॉलीकार्बोनेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस को पहने, और उसका मैं एक डिस्क्रिप्शन और एक लिंक भी डाल दूंगा वीडियो में जिसके थ्रू आप इसको ले सकते हैं। कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है इसमें, आँखों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटेक्शन ग्लासेस पहनने से 99% इंजरी हम प्रिवेंट कर सकते हैं फटाकों से जो होती है। सेकेंड जो चीज़ दिवाली टाइम पे इफेक्ट करती है वो है डस्ट और पोल्यूशन। डस्ट और पोल्यूशन ऐसी एक चीज़ हो गई है जो हमारी लाइफ में अवॉइड नहीं हो सकती है। यदि हम थोड़े से भी अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया में हैं तो हमें पोल्यूशन फेस करना ही पड़ेगा, और विंटर के टाइम दिवाली जैसे होती है उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों हमारी आँखों में प्रॉब्लम करता है। डायरेक्टली तो ये आँख के अंदर जा सकता है और आँख के अंदर इरिटेशन कर सकता है, जलन हो सकती है, लाल हो सकती है आँख। सो अगर धुएं का डायरेक्ट एक्सपोजर हुआ है सो तुरंत आँख को वॉश करें, तुरंत आँख को वॉश करें। इनफैक्ट यदि कोई फटाके से भी इंजरी हुई है सो फर्स्ट थिंग जो करें उसमें आँख को बिल्कुल भी नहीं मसलें, आँख को टच नहीं करें, आँख को साफ पानी अगर आपके आसपास हो तो उसको उससे वॉश करें और एक सिंपल पट्टी से उसको कवर कर लें आँख को।
और तुरंत अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, आँख को कवर करना ज़रूरी है और आँख को मस लेना। कभी भी आँख में कुछ जाए, अगर धुआं या धूल या चोट लगे तो बिल्कुल भी नहीं मस लें, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा वर्स कर सकती है। सो इसलिए अगर डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है, धुएं का आँख में जलन हो रही है, लाल है, चुभन है, तो आँख को वॉश करें और अपने आई डॉक्टर से संपर्क करें। इनडायरेक्टली अगर पोल्यूशन की वजह से आँख में इफ़ेक्ट आता है तो वो आता है एलर्जी की वजह से। आँख के जो पोल्यूशन है, डस्ट है, केमिकल्स हैं, उससे आँख में एलर्जी हो सकती है, वो लंग्स को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, हमारी सांस को, हमारी आँखों को भी। अगर एलर्जी रहती है इन चीज़ से, जिन जिनको एलर्जी रहती है उनको यूजुअली हर साल ये प्रॉब्लम आती है इस सीज़न में। मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि कोई भी एक एंटी हिस्टामिनिक आई ड्रॉप, जैसे कि ओलोपैटाडीन, इस तरह का ड्रॉप आप स्टार्ट कर लें सीज़न शुरू होने से पहले ही। 2 से 3 बार इसे डालते हैं और दोनों आँख में डालते हैं। इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और एटलीस्ट आप इसको 15 डेज पहले स्टार्ट कर लें। यदि हर सीज़न में आपको हो रही है प्रॉब्लम, एलर्जी पहले से उसको कंट्रोल में रखें, जिससे कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। यदि फर्स्ट टाइम अगर एलर्जी हो रही है तो ऑब्वियसली अपने आई डॉक्टर से आपको मिलना रहेगा, वो आपको देखेंगे, चेक करेंगे, डायग्नोसिस करेक्ट बना के और फिर अप्रोप्रिएट ड्रॉप्स शुरू करेंगे। ये मैंने ब्रीफली आपको बताया कि आप दिवाली फेस्टिवल को इन्जॉय ज़रूर करें, बट मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्रोटेक्शन वाला चश्मा एक ज़रूर यूज़ करें। और स्पेशली जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं जो अभी या तो फर्स्ट टाइम पटाखे जला रहे हैं या बड़े लोग बच्चों से पटाखे जलवा रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन ज़रूर दें। ये एक एज अ गार्डियन, एज अ पेरेंट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक हम ट्रेंड शुरू हमें करना है कि आँखों का प्रोटेक्शन हो। दिवाली वाले फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में किसी के आँख की रोशनी नहीं चली जाए। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।